जी यमराज जी, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये कैसी बातें करते हो आप? आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो और फिर कहते हो कि मैं आपका पीछा क्यों कर रही हूँ? बेटी, विधि का विधान है, इसे ना तो मैं मेट सकता हूँ ना कोई और मेट सकता है। ये तो हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मेरी ड्यूटी बनती है, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं इसका शरीर के से प्राण निकाल करके ले जा रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। और तेरी ड्यूटी इस वक्त ये बनती है, अपने पति की मृतक लाश को ले जाकर शमशान में उसका अंतिम अंत्येष्टि करना, उसकी अंतिम क्रिया करना, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। नहीं अमराज जी, अच्छा मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी, जब तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे। कैसी भोली बातें करती है बेटी सावित्री, तेरे इस तेज को देखकर, तेरे इसे तप को देखकर के आज यमराज बड़ा प्रसन्न है, लेकिन ऐसी जिद मत कर, तू वापस चली जा। और कुछ कहना चाहती हो तू अभी बेटी कह ले। हे यमराज जी, हाँ मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। हाँ, मेरे पति के बिना इस दुनिया में मेरा कोई भी सहारा नहीं है। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते तो मैं आपसे एक छोटी सी अरज करना चाहती हूँ। बेटी कर ले, आज यमराज बड़ा प्रसन्न है तेरी इन बातों को सुनकर के। ये दुख मुझे भी है कि तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी बगैर पति के किस प्रकार से काट पाओगी। लड़ो, कह दे अपनी बात। सुनिए मेरी बात यमराज जी। हो मेरी अरज सुनो, रहम मेरे पे खाली, अरज सुनो या मेरा, कुछ रहम मेरे पे खाली, सुनो या मेरा। कुदरत कने बेटी सत्वान की, तेरे सत्वान की तो जिंदगी इतनी अब आखरी सटे पहला के चोट करा मेरा।
कागज भी नहीं डालूंगा और चीज, अरे और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो तहारूंगा, अरे और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो तहारूंगा। झोली फैलाई अपनी बेटी मुझको, प्यार का हाथ शीश धर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, हो मैं फिर राज हमारा दे दो, तीसरा वचन, तीसरा वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो, ओए वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो, हो मने ना चाहिए कुछ यो, छलक लिया
मंत्री ने छलत लिया, मंत्री ने जा वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ, वचन तीसरा, यरी वचन तीसरा, तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया। अरे वचन तीसरा सावित्री जी, अमराज जी, मैंने तेरे तीन वचन पूरे कर दिए हैं, अब तू वापस घर चली जा। अभी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपने मेरा तीसरा वचन अभी पूरा नहीं किया। यमराज जी, क्या कहती हो, क्यों नहीं किया? बेटी, पहले वचन में तूने अपने सास ससुर के नेत्र मांगे, तो घर जाकर के देख लेना, तेरे सास ससुर को साफ साफ दिखाई देने लगेगा, ये यमराज का वचन है। और दूसरे वचन में तूने अपना राजपाट मांगा, जो तुम्हारे मंत्री ने छल से तुम्हारे सास ससुर से ले लिया था, जा वो भी तेरा राजपाट तुझे मिल जाएगा। और तीसरे वचन में बेटी, जो तूने अपने कोख से लाल मांगा है, चिंता ना करना, अगली साल, आज तो सगाई के मौके पर ये कार्यक्रम हो रहा है, अगली साल सावित्री जब तुझ पर बेटा होगा उसकी खुशी में ये कार्यक्रम रखा जाएगा। क्या आपने तीसरा वचन सोच समझ के दिया है? बिल्कुल सोच समझ के दिया है। अगर सोच समझ के दिया है तो मेरी बात सुनिए यमराज जी। क्या बात कर रहे हैं? ख्याल करो हरे राम बैसले हो, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। क्या? और अगर तीसरा वचन सोच समझ के दिया है तो बताइए मुझे, बिना पति के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो, समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, वचन सावित्री, आज तूने वाकई ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय नारी को इनके तुम्हारे सतृत्व को देखकर वास्तव में ही नमन करने का मन करता है। लेकिन बेटी, तूने तो बहुत बड़े चक्र भी उमेश यमराज को फंसा दिया है, अब ना तो इधर जाने का ना इधर जाने का। ये भी मैं मानता हूं कि एक शक्ति औरत पर बगैर मर्द के बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तुम पतिव्रता नहीं हो सकती। और मैं अपने मुख से कह सकता हूँ, कह चुका हूँ कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। लेकिन बेटी, जिस प्रकार से तुमने मुझे फंसाया है, इससे इस चक्र में उसे निकालने का भी रास्ता तुम जानती होगी। अगर मैं फंस गया इस जाल के अंदर, तो इस यमराज की दुनिया में पूरे तीनों लोकों में थू थू होगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी। आप मुझे बेटी कहते हो, हाँ, तो बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बताने को तैयार हूँ। क्या बताने? आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। हे यमराज जी, जी, ये बताइए कि मेरी आयु कितनी बाकी है? बेटी, तेरी आयु तो भी बहुत लंबी है। अगर मेरी आयु बहुत लंबी बाकी है, हाँ, जितनी भी मेरी आयु बाकी है, हाँ, उस मेरी आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए। जब आप मेरी आधी आयु मेरे पति को दोगे, तो आपका तीसरा वचन भी पूरा होगा। जब मेरे पति जीवित हो जाएंगे तो हमारे एक संतान भी हो जाएगी। और एक काम और अच्छा होगा। कौन सा? कि जब हम दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री एक दिन मरेंगे साथ साथ। यमराज जी, धन्य हो बेटी, तथास्तु। आज यमराज यह भी करने के लिए तैयार है। हो यम राजे होया